तो आपकी भी साबूदाना की खिचड़ी चिपचिपी बनती है, अच्छी नहीं बनती है, खिली खिली नहीं बनती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि साबूदाना की खिचड़ी एकदम खिली खिली, एक एक दाना, हर एक एक दाना ऐसे मोती जैसे खिला हुआ खिचड़ी बनती है, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप व्रत या उपवास में इस खिचड़ी को बना के खा सकते हैं, और अगर ऐसे भी आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो अभी श्रावण चल रहा है, श्रावण का उपवास रहता है, सोमवार का उपवास रहता है, तो ये आप बना के खा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, ये तेल मैंने मूंगफली का तेल डाला है, उपवास के लिए ही बना रही हूँ तो मूंगफली का तेल डाल रही हूँ। आप तेल में बना रहे हो तो मूंगफली का तेल डालें, नहीं तो आप घी में बना सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने मूंगफली का तेल डाला है, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। और ये एक बड़ा साइज का आलू था जिसको मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है, और काट के हम तेल में डाल देंगे, और तेल में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और तेल में आलू को मतलब एकदम गोल्डन फ्राई करेंगे। जब आलू एकदम गोल्डन हो जाएंगे ना, ये देखिए आलू का कलर आप देख सकते हैं कितना गोल्डन होने को आया। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, यानी कि उपवास वाला नमक, और थोड़ा सा जितना हम आलू में नमक की ज़रूरत है उतना ही नमक डालेंगे। नमक डाल के और चला देंगे, 1 से 1.5 मिनट और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। तब तक ये देखिए यहाँ मैंने आधा कप सिंग दाना ये देखिए भून लिया है मैंने, मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। तो इसके थोड़े से इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और यहाँ 4-5 से 6 हरी मिर्च ली है मैंने तीखी वाली, दोनों को इस तरह से डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सूखा इस रफली ये देखिए इस तरह से दरदरा हम पीस के तैयार कर लेंगे। जब तक हमारे ये आलू देखिए एकदम अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, तो गैस को कर देते हैं एक मीडियम, और आलू को फ्राई हमें हाई गैस पे ही करना है, मतलब तेज़ आंच में करना है। और जब आलू अच्छे से गोल्डन हो जाए, उसके बाद जो हमने मिर्ची का और मूंगफली का ये जो दानेदार पाउडर बनाया था दरदरा सा, वो डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर साबूदाना। तो ये साबूदाना मैंने ओवरनाइट भिगाया था, तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप ओवरनाइट ही भिगाइए, उससे खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये देखिए एक एक दाना साबूदाना का भीगा हुआ है, और एकदम अच्छे से भीग गया है साबूदाना, सॉफ्ट हो गया है। तो इसको भिगाने का मैंने पहले भी एक मतलब वीडियो डाल रखा है कि इसको किस तरह से आपको भिगाना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें भी बता देती हूँ थोड़ा कि मतलब साबूदाने को 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए, और धोने के बाद जितना लेवल साबूदाना का है बस उतना ही पानी रखना है हमें, उससे साबूदाना के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, बस इतना सा पानी डाल के ढक्कन लगा के रख देना है, और ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो मतलब 5 से 6 घंटा तो आपको भिगाना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं। तो ये देखिए मैंने साबूदाना और ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे ही थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फिर से नमक, तो आप ध्यान रखना है यहाँ कि पहले हम आलू में भी थोड़ा सा नमक डाले थे, तो यहाँ साबूदाना के हिसाब से थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक डाल के ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अब 5 मिनट थोड़ा सा धीमे आँच पर बीच बीच में चलाते हुए हमें भून लेना है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं भूनना है, 4 से 5 मिनट भूनना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये देखिए खिचड़ी हमारी कुछ इस तरह से है, ये देखिए हर एक दाना खिला खिला दिख रहा है। तो अब गैस को कर देते हैं बंद, और ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। और अगर आप उपवास में जीरा खाते हैं तो आप जब तेल डालो तब तड़के में जीरा भी डाल सकते हो। और यहाँ हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हरी मिर्च भी आप अपने तीखे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो धनिया डाल के ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आप चाहो तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो, नींबू का जूस डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कैसे एकदम एक एक दाना खिला खिला है, बिल्कुल भी नहीं चिपचिपी है, ये देखिए मोती जैसे कैसे दाने खिले हुए हैं।
तो खिचड़ी बनके तैयार है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं तो उपवास में यही बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेरी तो फेवरेट है। मैं हर रोज़ इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए, कल श्रावण का सोमवार है तो आप बनाइए। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।